हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली रिजल्ट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसटीटी के मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड अभी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बिहार एसटीटी का जो यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया गया है बिहार एसटीटी की तरफ से, मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है चलिए इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको dailyresult.in की वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आप यहाँ पर बिहार कॉर्नर एक मिलेगा सेक्शन, ये बिहार कॉर्नर स्पेशल बिहार के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। देखिए, अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करना है। अगर मॉक टेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर नया पेज ओपन होगा, तो नीचे में आपको यहाँ पर आ जाना है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पर दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना है तो ये वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है मॉक टेस्ट देने के लिए। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे ही पेज ओपन होकर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तो आपको कोई भी यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड नहीं डालना है, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट इन जो मतलब कि ये सब जो भी है यहाँ पर एक मॉक टेस्ट की तरह है, आपका ये रियल नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे साइन इन पर क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, लेकिन जब आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सब डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उसके बाद अगर ये सब पढ़ना चाहते हैं, देखिए प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आप अगर ये सब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, देखिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 150 मिनट का यहाँ पर दिया रहेगा और सारा चीज़ यहाँ पर दिया है। अगर इस पर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, मतलब आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आई एम रेडी टू लॉग इन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म, कुछ यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर आपको टिक भी करना है, ठीक है। यहाँ पर छूट गया था, चलिए यहाँ पर टिक कर लेते हैं। इस बॉक्स में मैंने टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगेन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करिए तो आपका मॉक टेस्ट आपका आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ देर वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर ओपन होकर आ गया है, ऊपर में आप देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पर आपका दिया गया है। देखिए ये मोबाइल में इसीलिए आपके सामने कुछ मतलब आपको दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप लैपटॉप में खोलेंगे अपना तो अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए इस मोबाइल में भी हम आपको कोशिश करते हैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड पर डाला है, तो कुछ यहाँ पर मतलब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया गया है और यहाँ पर ऊपर में सारा चीज़ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। अगर मैंने मतलब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन खींचे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिस जो भी आपको मतलब यहाँ पर दिया गया है आप उस पर आपको टिक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ए वाला पर टिक करते हैं तो ये वाला टिक हो जाता है, ठीक है। और मतलब दो अगर दो बार मतलब पहला टिक किया तो टिक हो गया, अगर आपको इसको हटाना है तो एक बार और टिक कर देगा तो ये आप यहाँ पर हट जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपने टिक कर दिया तो बस वही रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए इस पर मैंने यहाँ पर पहला टिक किया, ठीक है, टिक किया तो टिक हो गया। अगर इसको हटाना है तो इस पर एक बार और यहाँ पर टिक करिए, ये हट जाएगा। तो मतलब कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इसको छोड़ दिया है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर इस सब क्वेश्चन दिया गया है, आप मान लीजिए अगर आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 10 देखना चाहते हैं, 10 पे आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो ओपन होकर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन ओपन होकर आ जाएगा। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन था जैसे, तो अगर आपने पहला क्वेश्चन बना लिया है तो पहला क्वेश्चन बनाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन के ओर यहाँ पर लेकर चला जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए ये जरूरी नहीं कि आप बना लेंगे या फिर नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, नहीं बनाने के बाद भी अगर नहीं बनाया तो भी आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे निकल जाना है, ठीक है। ऐसी करके आगे निकल जाना है। अगर जैसे मान लीजिए चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर बना दे मतलब कि आपको आ रहा है, तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, टिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर करिएगा तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन पर चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा और साथ साथ आपको दिखा दें। यहाँ पर देखिए टाइम भी चलता है ऊपर में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो और इसको लास्ट में जो होता है और मतलब तो ये मॉक टेस्ट है, इसे मतलब मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, इससे आपका जो नॉलेज है वो भी यहाँ पर मतलब कि इम्प्रूव होगा और नॉलेज का आपका पता चला कि इतना आपने तैयारी किया है और आपको ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा मतलब कि सहायता मिल सकता है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, जितना से वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।